हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज हम बनाएंगे पनीर पोटली समोसा। कहोर के लिए हमें चाहिए मैदा, नमक, तेल, गुनगुना पानी। स्टफिंग के लिए पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, चीनी, राई, जीरा। सबसे पहले एक बाउल में एक कप मैदा, नमक स्वादानुसार, 4 टीस्पून ऑयल, 4 अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालकर डो बना लेंगे। हमारा डो बन के रेडी है। ध्यान रखें कि ये ज्यादा सख्त ना हो। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें राई जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। अब थोड़ी सी हल्दी, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी शक्कर डालकर मिक्स कर लेंगे। अब और पनीर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, फ्राई करके लेंगे। मैंने स्टफिंग थोड़ा सा स्पाइसी रखा है ताकि ये पोटली में अच्छा लगेगा। अब हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हमने एक छोटी सी रोटी बेल ली है, इसमें हम अब स्टफिंग भर लेंगे। इसको थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और सब तरफ से इसके प्लेट बना लेंगे। पोटली पैक कर लेंगे। पोटली फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हम अच्छे से तेल गरम करके लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम एक एक पोटली फ्राई करके लेंगे। अब हमारी पोटली सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकालेंगे।